हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है संडे, सभी की छुट्टी है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरी भी छुट्टी है, बट नाम की। जी हाँ, छुट्टी तो बस कहने के लिए होती है, लेकिन काम हमारे इतने सारे होते हैं ना कि उस छुट्टी का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जी चलिए फटाफट घर के कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था कुछ अच्छा सा नाश्ता, क्योंकि मंडे टू सैटरडे इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, और बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है, तो सुबह सुबह ना बहुत कुछ नहीं हो सकता है, हड़बड़ाहट के चक्कर में थोड़ा बहुत जो हो जाता है हो जाता है। तो आज मैंने सोचा ना संडे स्पेशल कुछ बनाया जाए, कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई जाए। तो मैंने बनाया है सेवई, और उसके बाद मैंने बीम को मसालों के साथ फ्राई किया है, एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुंदरे की भुंजिया। और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, ये अभी थोड़ा सा फ्राई होना बाकी है, देन उसके बाद ना मैं इसमें डालूँगी मैगी मसाला, उसके बाद ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। जी हाँ, अगर आप कुंदरे की भुंजिया बना रहे हो ना, तो लास्ट में उसमें ना मैगी मसाला ऐड कर देना, वो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी उसके बाद लगने लगता है। तो जी मैं ना ऐसे ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो सादा सिंपल खाना आप रख दोगे ना, तो बिल्कुल टेस्ट तक नहीं करते हैं, खासकर कुंदरी भुंजिया हो गई, करेली की भुंजिया हो गई, ये सारी चीज़ें ना उन्हें खिलाना बहुत मुश्किल वाला काम है। तो जब मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो लास्ट में मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो फटाफट पहले मैंने नाश्ता कंप्लीट किया, किचन का काम ख़त्म किया, किचन की साफ़ सफाई नहीं हुई है, बस मैं नाश्ता बनाकर निकल गई हूँ, बच्चों को मैंने दे दिया था, क्योंकि काम करते करते ना अभी बज गए तो 9, और वैसे मैं आज लेट से भी उठी हूँ, तो लेट से काम स्टार्ट भी हुए हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि बच्चों को नाश्ता लगा दूँगी, उसके बाद इतना से अपने घर के काम करूँगी। तो जी इस वाले रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट हुई, सबको मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया है, चीज़ों को सही ढंग से उनकी जगह पे रख दिया है, तो अब जाकर ये रूम ना अच्छा लग रहा है। और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, तो वो भी मैंने साथ ही साथ कर ली है, और रही बात झाड़ू पोछे की, तो वो तो होती रहेगी, लेकिन जब क्लीनिंग आप स्टार्ट कर लो ना, तो सबसे जो मेन पार्ट होता है ना, वो यही होता है कि चीज़ों को एटलीस्ट सही ढंग से पहले उनकी जगह पर रख लो। और अभी ना घर की ऐसी हालत हो चुकी है ना, कि मुझे पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। रीज़न ये है ना कि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं इन कपड़ों को अरेंज करके उनकी जगह पर रख दूँ। तो क्या हो रहा है ना कि बस एक जगह जमा करके मैं रख दे रही हूँ, और फिर बाद में ना यही चीज़ मेरे लिए हेडेक हो जा रही है, क्योंकि फिर वापस से इसे अरेंज करके इसकी जगह पर रखना मुझे ही है। तो मैं अपना काम जितना बढ़ाऊँगी ना, या जितना टालूँगी ना, उतना मुझे ही बाद में प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे भी इन सारे कपड़ों को फोल्ड करना ही ना मुझे हेडेक लग रहा है, क्योंकि ये 2-3 दिन के कपड़े जमा हो गए हैं टाइम की कमी की वजह से। तो इसलिए ना किसी चीज़ को ना टालना नहीं चाहिए, जब जितना टाइम निकले ना फटाफट कंप्लीट करते जाओ। पूरे घर में जहाँ जहाँ भी कपड़े फैले हुए थे ना, सबको मैंने पहले लाकर एक जगह जमा किया। अब उसमें ना मैं छाट छाट कर अलग अलग करके रख दे रही हूँ, जो डेली यूज के हैं वो अलग करके रख दे रही हूँ, जो आयरन वाले कपड़े हैं वो अलग करके मैंने रख दिया है, और जो कर्टन बेडशीट ये सारी चीज़ें हैं ना, वो भी मैं फोल्ड करके अलग रख दूँगी। और कभी कभी जब काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जो काम हेडेक वाला नहीं है ना, फिर भी वो हेडेक ही लगता है, जैसे कपड़े फोल्ड करना ना बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है नहीं। आप गाना सुनते सुनते ऐसे कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते या कुछ भी करते हुए ना, ये काम बड़ी इजीली कर सकते हो, बट जब समय कम हो और काम ज़्यादा हो ना, तो फिर कोई भी कैसा भी काम हो ना, वो बोझ ही लगता है, वो हेडेक ही लगता है। इसलिए ना धीरे धीरे करके घर के एक हिस्से से मैंने शुरुआत की है, और पूरे घर को साफ़ करने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि कहीं कोई कोना छूट ना जाए, क्योंकि ना संडे का दिन ही ऐसा होता है जब मैं इत्मीनान से आराम से अपने घर की साफ़ सफाई
कर सकती हूँ और बाकी अदर काम भी कर सकती हूँ, नहीं तो मंडे टू सैटरडे तो पूरा दिन बिजी रहता है, पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब हुई और रात कब हो गई। ये कुछ कपड़े हैं ना जो मैं कल खरीद के लाई हूँ, और ये हैं मेरे बच्चों के कपड़े, और एक्चुअली ये है दुर्गा पूजा की शॉपिंग हमारी जो थोड़ी बहुत अभी हो पाई है, और अभी बहुत कुछ चीज़ें लेना बाकी है। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जा रहा है, नहीं तो अभी तक कंप्लीट हो जाता, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके हो ही जाना है। तो इन सारे कपड़ों को मैंने एक बार चेक कर लिया ना, क्योंकि घर आते थे काफ़ी रात हो गया था, फिर मैंने इन सारे कपड़ों को जैसे का तैसा रख दिया था, तो अब भी मैंने सोचा ना एक बार देख लेते हैं एंड उसके बाद इसको वार्डरोब में डाल देंगे। तो बच्चों को कपड़ों को ना मैंने वार्डरोब में रख दिया है, और ये वाली जो बेडशीट है ना जो मेरे बेड की है, इसे मुझे वॉश करना है, काफ़ी टाइम से सोच रही थी धोने का, आज फाइनली इसे निकालते हैं और यहाँ डालूंगी मैं दूसरी वाली बेडशीट। और ये रूम लगभग डन हो चुका है, सारी चीज़ें सही ढंग से मैंने उनकी जगह पर रख दी है। ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने अभी जस्ट फोल्ड किए थे, तो इसे बस दूसरी जगह में रखना है, क्योंकि ये सारे कपड़े ना आयरन वाले हैं, और आयरन वाले कपड़े मैं इस रूम में नहीं रखती हूँ, इसे एक साइड में रखती हूँ, जब जैसे आयरन होते जाता है ना वैसे वैसे फिर इसे वार्डरोब में डालते जाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि यहाँ की सफाई भी थोड़ी बहुत बची हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस डाइनिंग टेबल क्लीन करना है जो मैं हमेशा करती हूँ, और थोड़ा बहुत क्रॉकरी यूनिट है ना सामने में जो आप लोगों को दिख रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, उन सभी को हटाना है, उसे भी क्लीन करना है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई बाकी थी, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद ना सीधे मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, तो इसलिए किचन बचा हुआ रह गया है, तो फटाफट इसे क्लीन कर लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं है, क्योंकि जब नवरात्रि की शुरुआत हुई ना तो उससे पहले ही मैंने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, जब भी जितना भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिला था ना उस वक्त मैंने जो ऊपर वाले कैबिनेट है उसे अच्छे से क्लीन किया था, एंड उसके बाद जो नीचे वाले आप कैबिनेट ड्रॉअर देख रहे हो ना उन सबको मैंने क्लीन किया था। तो अभी क्या है ना, सोच रही हूँ एक बार बाहर से अच्छे से साफ़ कर दूँ, ताकि जो शाइनिंग है ना वो बरकरार रहे, क्योंकि अभी पूजा है ना, तो पूजा में तरह तरह के बहुत सारे डिशेज बनने वाले हैं, तो जब किचन क्लीन रहेगा ना तो खाना बनाने में भी उतना ही मन लगने वाला है। तो मैं फटाफट ना किचन क्लीन करती हूँ, और इसी के साथ ना एक आपके कमेंट ना लगातार आ रहे हैं आप सभी के, तो उसका आंसर मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हर ब्लॉग में वो कमेंट आ ही रहे हैं लगभग, और मैं कितनों को आंसर दूँ, तो आज मैं फिर से बताना चाहूँगी। तो आपके कमेंट आ रहे हैं ना बार बार कि आप कहाँ जॉब करते हो, आप किस ऑफिस में जॉब करते हो, ऐसे करके। तो मैंने इसके बारे में डिटेल से आप सबसे पहले भी बात की है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और कौन सा मैं जॉब करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसलिए ना बार बार एक ही चीज़ को बोलना सही नहीं है, एक ही चीज़ को हर ब्लॉग में बोलो। तो इसलिए अगर आप लोग जो नए हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर एक बार सर्च करके देख लेना, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि मैं कौन सा जॉब कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको मिल जाना है। तो आप सबसे बात करते करते ना सच में टाइम का पता नहीं चलता और काम का भी पता नहीं चलता है, तो मेरे सारे काम लगभग ख़त्म हो गए थे। जो किचन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, काउंटर टॉप, गैस स्टॉप, वॉल टाइल्स, ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सबको मैंने क्लीन कर लिया है, इसलिए वो ना साइन भी कर रही है, सच में अब क्या करना परफेक्ट लग रहा है। और जो नीचे वाले कैबिनेट ड्रॉअर बचे थे उसे भी मैंने साथ ही साथ अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो अब जाकर मेरे घर के साफ सफाई वाले काम यहाँ ख़त्म होते हैं, बस अब बचा हुआ है झाड़ू और पोछा। तो फाइनली लेट से उठने के बाद भी ना टाइम पे सारे काम ख़त्म हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कितनी बार होता है ना कि हम लेट से काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम लेट से ख़त्म भी होते हैं, बट फाइनली मेरी कोशिश रंग लाई, जी हाँ ऐसे बोल सकते हैं। यही होता है कि जब आप एक काम बहुत लंबे टाइम से करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन काम कैसे किस तरीके से करना है, ताकि आप उस चीज़ को लेट से स्टार्ट करो ना तो भी वो एटलीस्ट टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो वही है, घर की साफ़ सफाई टाइम पे हो गई है, तो अब मेरे पास जो टाइम है ना वो मैं दूसरी चीज़ों में यूज कर सकती हूँ। वैसे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, ये तो बस एक छोटा सा सुबह का पार्ट था साफ़ सफाई वाला जो कंप्लीट हुआ, और ये बेंच था ना जो मुझे बालकनी में रखना था तो वो मैंने रख दिया है, रही बात डेकोर की तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला ना अभी यहीं छोड़ते हैं, इसे ऐसे ही
इसे बाद में डेकोर करेंगे। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।